हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? वेलकम टू द कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि गुरु इंस्टीट्यूट जो है आपको CSIR, नेट, जेम और इन सब की कोचिंग बेस्ट करवाता है पूरे चंडीगढ़ में। तो उसी के रिगार्डिंग जो हम आज हैं वो हमारा टॉपिक जो है वो है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जो वो ये है CSIR फिजिकल साइंस का टॉपिक, ठीक है। IIT जेम में भी यही टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो जनरली हम यहाँ बताएंगे आज की आपके पास कौन सा टॉपिक वो जो है हम आज डिस्कस करेंगे फिजिक्स के ऊपर, जैसे कि ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे। ये फिजिक्स के अंडर आता है IIT जैम में भी और CSIR नेट दोनों के केस में। तो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में हम सबसे पहले वो एक चीज़ करेंगे, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो डिस्कस करेंगे कि हमारा ओरिजिन कैसे हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी क्वांटम मैकेनिक्स को, क्वांटम मैकेनिक्स में काम करने की, और क्या क्या हमारे पास ड्रॉबैक्स रहे कि हम उसको क्लासिकल थ्योरी में जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो हमें जो है ये क्वांटम थ्योरी जो है ये बनानी पड़ी। देखो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से हुई? हमारे पास सबसे पहले क्या थी? क्लासिकल थ्योरी थी, ओनली क्लासिकल थ्योरी थी। क्लासिकल थ्योरी में क्या क्या चीज़ ओबे होती थी पहले ये चीज़ बताओ, डिस्कस करो। क्लासिकल थ्योरी में क्या चीज़ ओबे होती थी वो चीज़ मैं आपको इधर बता देता हूँ। जैसे ही हमारे पास ये था, क्वांटम मैकेनिक्स में हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम जो है वो इस फॉर्म में आ सके, ठीक है, इस फॉर्म में आ सके, तो क्या ही ज़रूरत पड़ी? क्लासिकल थ्योरी में क्या ऐसा नहीं हो पा रहा था कि हमें जो है क्लास इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में शिफ्ट होना पड़ा? ये क्या क्यों ज़रूरत पड़ी? देखो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको क्लासिकल थ्योरी में क्या चीज़ ओबे होता था? क्लासिकल थ्योरी में क्या चीज़ ओबे होती थी? ठीक है, न्यूटन्स के लॉ होते थे, ठीक है। न्यूटन्स के लॉ क्या थे? फिजिकली जो है हर बॉडी के ऊपर जो है एम्प्लीफाई हो जाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या था? रिलेटिविस्टिक, जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी हल्की सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाती थी, ठीक है। बट उसमें भी हम जैसे तैसे जो है न्यूटन के लॉज जो है वो वैलिड करवाते थे। बट जब जो पार्टिकल होते थे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन पार्टिकल्स में जो न्यूटन्स के लॉ है वो ओबे कराना मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि उनका मास भी छोटा होता था एज वेल एज उनकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती थी। वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाते थे तो उस स्टेट में जो है हम न्यूटन्स के लॉ जो है वो लगाना जो है वो बहुत सारे डिफिकल्टी आती थी उसमें। तो इसलिए हम क्लासिकल थ्योरी छोड़ के काहे में गए क्वांटम थ्योरी में, क्वांटम थ्योरी पे, क्वांटम थ्योरी पे वेयर मास इज स्मॉल एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल पार्टिकल इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके, कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ। ये क्लासिकल थ्योरी में क्या होता था? इसमें मास क्या होता था? एम, एज वेल एज वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन सी, ओके। इनको बोलते थे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, स्कोपिक पार्टिकल्स, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते थे? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो अब चलते हैं उसकी तरफ। तो 19th सेंचुरी तक क्या काम होता था हमारा? जनरली न्यूटन्स और मैक्सवेल्स की इक्वेशन जो है वो ही काम करवाती थी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। उसके बाद आए हमारे पास, जैसे आया प्लैंक, आया प्लैंक ने क्या बोला कि पार्टिकल्स क्या एक रेडिएशन की तरह भी मूव चल सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ आगे आगे जो है क्लासिकल थ्योरी जो है स्मॉल पार्टिकल के लिए वो वैलिड नहीं रहती, ठीक है, नहीं हो रही थी। तो उसी के साथ और एक्सपेरिमेंट्स होते गए। उसके बाद जैसे आइंस्टीन आए, फिर डी ब्रॉगली आए, फिर हेजनबर्ग अनसर्टिनिटी आई। तो इन सब ने जो है कंबाइन, इन सब की कम्बिनेशन से जो है एक अलग स्टेट आई, वो आई क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डिफाइन करने के लिए,
और क्वांटम मैकेनिक्स मीन्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मोशन डिफाइन करने के लिए, जिसमें जनरली न्यूटन्स लॉ जो है वो थोड़े से वैलिड नहीं होते, ठीक है। तो जब हमने वो चीज़ की तो 1900 में सबसे पहले प्लैंक ने बोला हमारे पास कि एनर्जी जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन दिया, और उसने पोस्टुलेट ये किया कि एनर्जी क्या होती है, एक्सचेंज करती है बिटवीन रेडिएशन और इट्स सराउंडिंग पार्टिकल इन डिस्क्रीट और क्वांटम अमाउंट्स। मतलब उस टाइम फिक्स नहीं था, पता नहीं था ये कि हमारे पास एनर्जी किस तरह से जो है वो रेडिएटेड होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, या फिर एक प्लेस पे और दूसरे सराउंडिंग्स में। तो क्या किया इसी प्ले क्या बोलते हैं इसकी जो थ्योरी है वो 1905 में आइंस्टाइन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डेवलप किया, ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। उसमें पता लगा कि एनर्जी जो है पार्टिकल से वो हमारे पास जाती है इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, ठीक है। बंडल्स में जाने से क्या हुआ, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, तो मतलब हमारे को ये पता लग गया कि एनर्जी जो है वो एक क्वांटाइज स्टेट में जाती है, ठीक है। तो ये चीज, ये बिहेवियर जो है, ये बिहेवियर आपके पास किसने बताया है, इन 1923 में डी ब्रॉगली ने बताया, ठीक है। डी ब्रॉगली ने उसके बाद क्या किया कि जो पार्टिकल है वो मैटर भी शो कर रहा है और वेव्स भी शो कर रहा है, मतलब ड्यूअलिटी नेचर ऑफ पार्टिकल बताया, लाइट बताया, ठीक है। जो क्या है वो कि पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है और वेव लाइक की तरह भी बिहेव कर रहा, ठीक है। उसने तो ये हाइपोथेसिस दी। 1927 में जो है डेविस ग्रामर ने जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है कंफर्म कर दिया कि हमारे पास ड्यूल नेचर होता है किसी लाइट का या फिर किसी पार्टिकल का, ठीक है, वो इसमें हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, हमारे पास जो है फर्स्ट फॉर्मुलेशन दी, मतलब मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन दी किसने, हेजनबर्ग ने। उसने ये बताया जो श्रोइंजर ने 1926 में इक्वेशन यूज़ की और साथ में डी ब्रॉगली ने जो काम किया, उन दोनों का जनरलाइजेशन किया पोस्टुलेट्स का, जिसमें बताया कि हमारे पास जैसे किस तरह से हम इसकी मैट्रिक्स या मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्या किया डायरेक्ट ने, क्या किया, सजेस्ट किए क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर्स, ऑपरेटर मीन एल्जेब्रास, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, उस वैसे उस चीज़ को ही बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स, मतलब हमने वो कैसे सॉल्व करनी है इक्वेशंस, ठीक है। उसके बाद क्या किया डायरेक्ट ने जो है कुछ रिप्रेजेंटेशन दी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बेसिस, इन द फॉर्म ऑफ बेसिस से रिप्रेजेंटेशन देने के बाद क्या हो गया, तो कुछ जो है श्रोइंजर वेव रिप्रेजेंटेशन की उसने इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फॉर्मुलिज्म और हेजनबर्ग मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन की, दोनों के फॉर्मुलेशन किया, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारे पास, उसके बाद आ गया हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहाँ से हम चलते हैं कि कैसे कैसे जो है वो फॉर्मुलेशन बनी, वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, और कैसे कैसे जो है चीज़ें डेवलप होती गई क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ, वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, हर्ट्ज ने नोटिस किया उसमें कि जो एयर का गैप है ना, जिस मेटल पे आप एनर्जी डाल रहे हो उस गैप में ना इलेक्ट्रॉन या फिर कुछ वेव्स ही जा रही है, ठीक है, कुछ फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। उसने ये चीज़ की, उससे फिर क्या किया हमने, जो फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ से पता लगाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू कि वहाँ मेटल सरफेस से जो है जनरली इलेक्ट्रॉन सरपास हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे सरपास हो रहा है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, उसको भी देखते हैं यहाँ पे। उसने ये चीज़ बताई, फिर उसके बाद क्या हुआ हमारे पास हल्का सा क्या आया, फेलियर्स आए क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी की। कैसे, वो कैसे आई, वो देखो ये आई, जैसे कुछ हमारे पास क्या आया उसके बाद जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ तो उसमें कुछ फेलियर्स हुए क्लासिकल मैकेनिक थ्योरी का। फर्स्ट क्या था कि ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस गैप में मेरे पास कुछ फ्रिक्वेंसी क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, वो चीज़ जो है क्लासिकल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब दूसरी वेव थ्योरी ने क्या बोला कि जब हमारे पास इंसिडेंट लाइट हुई डिस्टर्ब हुई एंटायर वेव फ्रंट की, उससे क्या हो गया, सम टाइम लिया, कुछ टाइम लिया उस वेव ने बाहर आने के लिए, तो ये चीज़ भी जो है वो क्लासिकल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। फिर एक और पॉइंट, मेन पॉइंट था वो क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंसिडेंट वेव एक्सर्ट्स द फोर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, सो जो लाइट है वो हायर इंटेंसिटी की होनी चाहिए स्ट्रॉन्गर फील्ड की, विद जो कि हमारे पास क्या दे रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी जो है वो बता नहीं पाया क्लासिकल थ्योरी कि ये क्यों हुई। तो फिर जो आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया उसके थ्रू देखो उसमें जो है ये चीज़ बता दी उसने,
सबसे पहले आइंस्टाइन ने जो काम किया 1905 में, उसने कुछ चीज़ें मानी। क्या चीज़ मानी? देखो, सबसे पहले द एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ अ रेडिएशन टेक प्लेस इन डिस्क्रीट क्वांटा, मतलब बंडल्स में। जो एमिशन या वो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वो मेरे पास बंडल में आएगी, बंडल की फॉर्म में आती है, ठीक है, जैसे लाइट जाती है इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, ठीक है। दूसरे में क्या बोला उसने कि एनर्जी इज नॉट स्प्रेड ओवर द एंटायर वेव फ्रंट, मतलब उसने एक हाइजूंस की तरह जो एनर्जी को माना कि ये पूरे एंटायर वेव फ्रंट में ट्रैवल नहीं कर रही है, मतलब फैलती नहीं है, बस एक बंडल्स में जाती है, वो भी इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइक दैट। जिसमें कि किस उसमें जो बंडल्स का नाम बोला वो क्या बोला, फोटोन्स का उसने, ठीक है, फोटोन्स, ठीक है। अ सर्टेन मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्क फंक्शन विच रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस। तो उसने एक चीज़ और कही कि हमारे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिससे हमारा मेटल सर्फेस जो जो है वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सके, मतलब थोड़ा सा वर्क डन, जो जिस तरह से हम बोलते हैं क्लासिकली कि हमें थोड़ा सा वर्क डन चाहिए किसी पार्टिकल को मूव करने के लिए, वैसा ही इन क्वांटम मैकेनिक्स के चाहिए, हमें थोड़ा सा एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सर्फेस से निकालने के लिए, ठीक है। तो उसने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो वो इस तरीके से किया, देखो मैंने मतलब उसने क्या किया, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की मेटल सरफेस से इन अ वैक्यूम, लाइक दैट, इन अ वैक्यूम चैम्बर क्या किया, ठीक है। फिर उसने एक इंसिडेंट वेव दी कुछ टाइम के लिए, और इंसिडेंट की जब तक, कब तक, जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ ना जाए, ठीक है। जैसे वो गया तो मतलब हमारे पास क्या हुआ, करंट पास हुआ, वो करंट क्या है, एमीटर के अंदर शो हो गया, ठीक है। मतलब इन फ्री सरफेस पे जो है हमारे पास क्या कर रहा है, जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, मतलब वो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इस सरफेस से जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। ये था देखो टोटल एनर्जी, तो मेरे पास क्या होगी जनरली, देखो खुद आप देख सकते हो टोटल एनर्जी कितनी हुई, ई मैक्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो जनरली हुई। वो किसके बराबर होगी, जितनी एनर्जी हम यहाँ इस पॉइंट पे दे रहे हैं, जितनी एनर्जी हम इस पॉइंट पे दे रहे हैं वहाँ से लेके लेके पूरा यहाँ तक, जितना इलेक्ट्रॉन जो इसने ये वाला डिस्टेंस भी ट्रेवल किया वो होगी हमारे पास टोटल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ जनरली W नॉट क्या हुआ, वर्क फंक्शन, ठीक है, मैक्स ई मैक्स क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इन दोनों का सबमिट करेंगे वो होगी हमारे पास टोटल एनर्जी विच इज कॉल्ड एच न्यू, ठीक है। तो हमने रिलेशन जो है वो इस फॉर्म में लिखा, वर्क फंक्शन भी है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं ना, वहाँ से एनर्जी की फॉर्म में दे रहे हैं, तो वहाँ से क्या होगा, एनर्जी की फॉर्म में दे रहे हैं तो एच न्यू नॉट, मतलब मिनिमम फ्रिक्वेंसी जितनी हमारे को देने पड़ी वो हमने इस फॉर्म यहाँ पे जो है कन्वर्ट कर दी, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, एनर्जी रिलेशन आ गया विथ टोटल एनर्जी विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वर्क फंक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो उसके बाद हम जो है नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ में जो है हमने फोटो इलेक्ट्रिक क्लासिकल मैकेनिक्स कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर दिया, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर दिया फिनोमिना, फिर आइंस्टीन की हाइपोथेसिस कर ली, ये चीज़ भी कर लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हो ढंग से, जो है वो हमने नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो बनाया, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में कहाँ बनाया, वो हमने इस स्लाइड में बताया। देखो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, वो हमने इस तरीके से शो किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूविंग कितनी मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ी वो चीज़, और टोटल एनर्जी किसके बराबर है वो, ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने एक इक्वेशन में जो है वो डिफाइन कर दी, ठीक है, किस तरह से हमारे पास जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बना वो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे अगर हमने कुछ एनर्जी दी यहाँ से इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, वो कहाँ चले गए, एनोड में, ठीक है, उसके बाद कहाँ है, वो वहाँ से बल्ब जला, और ये एनर्जी जो है वो शो कहाँ हो गया मेरे को, करंट मिली एम्पेयर पे, ठीक है, मतलब एमीटर में शो हो गया जनरली, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। तो उसके बाद वाला काम देखो, तो जो उससे ये चीज़ें निकली, कुछ ग्राफ निकले, ठीक है, कुछ ग्राफ निकले, ग्राफ निकलने से क्या हुआ, हमें इंटेंसिटी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू करंट, मतलब जो हमने एमीटर लगाया था वो चीज़, ठीक है, वो चीज़ देखी, और उसके बाद क्या दिखा, वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कि हम जैसे अगर इंसिडेंट वो चीज़ दें, इंसिडेंट वोल्टेज या इंसिडेंट एनर्जीज दें, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये देखो कुछ
यहां देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जब तक जो है आपके पास मेटल सरफेस से जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, तब तक क्या है वो चीज क्या नहीं करता, डिफाइन नहीं करता, ठीक है, तब तक एनर्जी नहीं निकलेगी कोई भी, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहां पे उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी थी नहीं। वर्क फंक्शन जैसे ही आया वहां से सीधा एक इलेक्ट्रॉन निकला, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी वो डिफाइन कर रहा है अलग अलग वोल्टेजेस पे, ठीक है, अलग अलग वोल्टेजेस, जैसे ये वी वन है तो इस पे ऐसे आया ग्राफ, वी टू आया इस पे ऐसे ग्राफ, वी थ्री इस पे ऐसे आया ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आया। अब दूसरी केस था यहाँ पे जैसे इंटेंसिटी, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, उससे क्या होगा, करंट बढ़ने से मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहे हैं तो एमीटर पे जो है रीडिंग ज़्यादा शो होगी, ठीक है, वो चीज़ हमारे को ग्राफ दिखाता है इस तरीके से, ठीक है। सेकंड क्या चीज़ था, अगर मेरे पास वोल्टेज जो है वो कॉमन है, करंट जितना भी हो आई वन आई टू का स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो उसका सेम ही रहता है, मतलब यहाँ से नीचे जो है वो वोल्टेज जो है जनरली, या यहाँ से ऊपर जो है ये वोल्टेज नहीं देगा, ठीक है। वैसे ही सेम केस होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, जैसे देखो फ्रीक्वेंसी सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए मेरे को मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी देनी ही पड़ेगी, उससे कम फ्रीक्वेंसी देने पे मेरे पास अलग अलग होगा, या फिर दूसरे मेटल्स होंगे ना अलग अलग वोल्टेजेस की वजह से मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो भी चेंज होती जाएगी, ठीक है, अलग अलग पोटेंशियल मिलता जाएगा वर्क फंक्शन के बाद, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन बताता था, ये ग्राफ बताता था। फिर उसके बाद क्या किया था, ये चीज़ जो ये चीज़ें ना, ये चीज़ें जो लिखी गई है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट क्या था, अगर V लेस देन V नॉट, V नॉट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल की वोल्टेज, तो क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और जाहिर सी बात है मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास जो है वो ट्रेवल नहीं करेगा उस एयर चैम्बर की तरफ से, ठीक है। सेकेंड में क्या था कि फ्रिक्वेंसी जो इंक्रीज करोगे या फ्रिक्वेंसी पर रखोगे तो नंबर ऑफ फोटोन जो है वो इंक्रीज करेंगे, देखो यहाँ पर फोटोन्स, बट एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी, नंबर ऑफ फोटोन्स निकलने के जो है वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। वैसे फोर्थ पॉइंट पे बोला कि इंसिडेंट फोटोन इज एब्जॉर्ब इफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, मतलब फोटोन्स के निकलने की इंसिडेंट जो है वो बढ़ता जाएगा या एब्जॉर्ब होंगे उतने ही इंस्टेंट से जितने टाइम से इलेक्ट्रॉन जो है इंस्टेंटली एमर्ज हो असाइनमेंट होगा। वैसे देखो एक एग्जांपल ले लो, जैसे हमने किया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटोन इलेक्ट्रॉन रेंज इज फ्रॉम 0 to 4 × 10⁻¹⁹ जूल व्हेन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 angstrom फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड व्हाट इज द थ्रेशोल्ड, मतलब हमें निकालना क्या है इसमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आपको मैक्सिमम एनर्जी दी है इसमें, काइनेटिक एनर्जी दी है ना फोटोन की, उस फॉर्मूले से देखो जो हमने ये चीज़ किया, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से देखो ई मैक्स इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, हमने निकालना क्या है, म्यू नॉट निकालना है, डब्ल्यू नॉट निकालना है, तो डब्ल्यू नॉट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहीं देख लो यहाँ पे भी, ठीक है, ये निकालने के लिए ये चीज़ चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू, ठीक है। तो हम वो चीज़ कैलकुलेट करेंगे, कैसे वो चीज़ कैलकुलेट करेंगे इधर, ठीक है, वो चीज़ कैलकुलेट करेंगे इधर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ई मैक्स जिसको हमने कहा वो है हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, ठीक है, यही चीज़ है, इन द फॉर्म ऑफ ई वी निकालनी है ना ये, तो ये कितनी दी है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी रेंजेस फ्रॉम 4 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा इसमें बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को पर कूलम से वो जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ये मेरे पास एनर्जी किस में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये कितनी आई टोटल, कितनी आई है सर, ये आ गई मेरे पास 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये तो आगे देखो मेरे पास मैक्सिमम क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, अब मेरे पास क्या बोला है वेवलेंथ बोला है, तो ई इक्वल टू एच न्यू होता है, आइंस्टीन से निकाला हमने, तो एच सी अपॉन लेमडा कर दो, जब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, बताओ कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, जब हमने निकालना है तो हम सीधे इसमें वैल्यू डाल देंगे। अब देखो ये इसकी वैल्यू क्या आई, वोल्टेज में आई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है ना यहाँ ईवीस, ठीक है, ईवीस,
अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल चाहिए तो वो कितनी आएगी, वो कितनी आएगी 2.5 डिवाइडेड बाय ई से करूँगा, यहाँ ई वी है तो ये कितने आ गया 2.5 वोल्ट, यही आया जनरली, ठीक है 2.45 वोल्ट आ गया। उसके बाद क्या कैलकुलेट करूँगा, देखो अब मैं जैसे मेरे को वो निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी भी मेरे पास आ गया, हर चीज़ मेरे पास आ गया, तो अब निकालूंगा मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब लैम्डा नॉट डैश, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है मेरे को, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालूंगा मैं, देखो वो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला किया ना, वो क्या था 2.5 इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना, इस चीज़ से जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा कितना आएगा मेरे पास, वो जनरली आएगा मेरे पास इन एंगस्ट्रॉम, वो आएगा 7590 एंगस्ट्रॉम, ये आएगी मेरे पास थ्रेशोल्ड लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। इस तरीके से करते हैं इसमें क्वेश्चन। और भी जैसे फॉर्मूले हैं, काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इन द फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में निकला क्या था हमारे पास, जनरली पी क्या होता है एच अपॉन लैम्डा, ठीक है एच अपॉन लैम्डा निकला। अगर इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा मैंने इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो मैं लिखूंगा क्या, अंडर रूट 2mkt, जब मेरे पास वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल से जो है वो पार्टिकल जो है रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है इस फॉर्म में हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे जो चीज़ें थी जैसे जैसे बढ़ती गई, फिर हमारे पास कॉम्प्टन इफेक्ट भी आया। कॉम्प्टन इफेक्ट ने क्या बोला कि जैसे देखो कोई बीम जो है, जब हम एक्सरे बीम किसी पार्टिकल के ऊपर जो है वो स्कैटर करवाते हैं लाइट को, तो उसमें एक्सरेज में टू मैक्सिमम इंटेंसिटीज आती है और वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा डैश, मतलब डिफरेंसेस ऑफ द टू वेवलेंथ, ठीक है डिफरेंसेस ऑफ टू वेवलेंथ आई तो वो उससे हम क्या करते हैं एक मॉडिफाइड रेडिएशन जो है वो बनाते हैं, उस फिनोमिना को बोलते हैं कॉम्प्टन इफेक्ट, ठीक है। इस शिफ्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ टू इंसिडेंट्स, ठीक है विच डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ स्कैटरिंग या फिर मैटर के ऊपर, स्कैटर के ऊपर, ठीक है। नेचर ऑफ स्कैटर किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ स्कैटर या फिर डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ स्कैटर, तो वो चीज़ जो हमने इसमें बताई, ठीक है। यही चीज़ें थी हमारे पास जो क्लासिकल थ्योरी में जो फेलियर हुआ था, क्या चीज़, यही कि वो बता नहीं पाया मेरे को ईएम वेव की जो मेरे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से जो मैंने वेव दी, ठीक है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से जो मैंने वेव दी वो मेरे पास किस तरीके से आई, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे ऑसिलेट कर रहा है सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, और जो रेडिएशन हो रही है वो स्कैटर्ड क्यों हो रही है सिंगल फ्रीक्वेंसी की, ठीक है जो रेस है वो यूनिफॉर्म हो रही है हॉर डायरेक्शन में, और जो वेवलेंथ जो है वो स्कैटर्ड रेडिएशन से वेरी नहीं कर रही है विद द इंसिडेंट स्कैटरिंग। ये चीज़ जो है मेरे को क्लासिकल थ्योरी है वो डिफाइन नहीं करा पाई, ठीक है वही चीज़ जो है फिर मैंने यहाँ पे कॉम्प्टन स्कैटरिंग से डिफाइन की। जो कॉम्प्टन था, कॉम्प्टन इफेक्ट ने क्या किया, कुछ चीज वो जो है वो बताए, ठीक है पोस्टुलेट्स रखे, एडिशन किया आइंस्टीन थ्योरी को, उसने बोला कि जो इंसिडेंट एक्सरे फ्रीक्वेंसी है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है और एनर्जी क्या होती है इस फॉर्म की, ठीक है और मोमेंटम क्या होता है इस फॉर्म का, वो ट्रैवल करता है अलॉन्ग द बीम ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है वो जैसे जैसे वो ट्रैवल करता गया ना वैसे वैसे जो है स्कैटरिंग भी होगी। तो इसने एक मेन जो चीज़ कही वो कही कि जो मेरे पास स्कैटरिंग है वो है इलास्टिक, टोटली इलास्टिक, ठीक है उसने इसमें बोला, ठीक है फोटोन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ लॉस एंड मोमेंटम्स है वो गुड बैठ रहे थे किसमें, इलास्टिक स्कैटरिंग, ये चीज़ जो है उन्होंने डिफाइन करी, ठीक है वो चीज़ जो है इस तरीके से किया। देखो जब इंसिडेंट बीम दी ना अपने एक्सरे की वो किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर दी, ठीक है इलेक्ट्रॉन के ऊपर दी तो उससे क्या हुआ, पार्टिकल तो इधर गया बट वो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर को निकल गया और उसमें जो एंगल बना थीटा और फाई का बना, ठीक है जनरली इलास्टिक स्कैटरिंग है तो ये थीटा फाई दोनों, थीटा प्लस फाई जनरली कितने होंगे 90 डिग्री, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ये चीज़ जो है मैं डिफाइन करवाई। ये देखो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा देख लो, इस तरीके से देख लो, ठीक है ये दिया एक्सप्लेनेशन कि इंसिडेंट ने सफरिंग की इलास्टिक कोलिजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन इज स्कैटर्ड थ्रू द एंगल विद डायरेक्शन थीटा, ठीक है ये चीज़ बताई। ठीक है ये चीज़ बताने के बाद जैसे ही हम आगे गए तो उसके कुछ रिजल्ट्स आए, मतलब डिफरेंट एंगल्स पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पीक्स बन रही थी, ठीक है कॉम्प्टन स्कैटरिंग में इंसिडेंट वही, इंटेंसिटी वही रखी। अब देखो जब सीधी दी
जीरो डिग्री पे एक पीक आई, मतलब स्कैटर नहीं हुआ पार्टिकल, ठीक। दूसरे में दी तो जब अलग अलग दिया तो यहाँ देखो पीक्स जो है वो अलग अलग आने शो किए 45 डिग्री पे, जैसे जैसे वो एंगल जो है बढ़ता गया, और 90 डिग्री पे दोबारा शार्प पीक आने लगी, 135 में जैसे जैसे एंगल चेंज करते गए वैसे वैसे जो है वो चेंज होता गया, ठीक है आगे। तो इसने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई यहाँ से, और अलोंग जो है वो फॉर्मूला बनाया इस तरीके से, और परपेंडिकुलर जो है वो इस तरीके से किया, ठीक है। और जो मेन रिजल्ट्स निकाला इन द फॉर्म ऑफ फाई स्कैटरिंग एंगल वो निकाला ये लेमडा माइनस लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा सी इंटू वन माइनस कॉस सी, और लेमडा सी की वैल्यू क्या ली, एच अपॉन एम नॉट, ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस लेमडा सी की वैल्यू कितनी निकली, 0.20242 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो अगर आपको एच अपॉन एम नॉट सी फॉर इलेक्ट्रॉन निकालना हो, ठीक है जनरली। उसके बाद चलो कंक्लूजन क्या किया इसने, सबसे पहले बोला कि कॉन्स्टेंट शिफ्ट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, ठीक है, नेचर ऑफ स्कैटरिंग की हुई। ये किस पे डिपेंड करिए, आप इस रिलेशन से देखो, एंगल थीटा या फिर फाई ले लो, ठीक है। और दूसरा, लार्जर द मास ऑफ अ स्कैटर्ड पार्टिकल स्कैटर्ड इज स्कैटरिंग इज स्मॉलर, जैसे जैसे मास डिपेंड किया वैसे वैसे स्कैटरिंग एंगल भी स्कैटर क्या होगी मतलब कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो रिलेशन बिटवीन वी और वी डैश, इन द फॉर्म ऑफ लेमडा निकाला था ना मैंने पहले, इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो वो मैं इस तरीके से निकालूंगा वी अपॉन वी डैश, वो इस तरीके से रिलेशन जो है वो मेरे पास डिफाइन करिए। और थीटा और फाई के बीच में एंगल जो है वो इस तरीके से निकलता है इससे, ठीक है, ये चीज़ें निकल गई। उसके बाद क्या थी, कुछ लिमिटेशन थी कॉन्स्टेंट की जो है वो डिफाइन नहीं कर पाया। क्या लिमिटेशन थी, कि जब मैं इंटरप्ट करूंगा एनीथिंग मॉडिफाइड वेवलेंथ में तो कॉन्स्टेंट इफेक्ट आता नहीं, ठीक है। वेवलेंथ क्या चाहिए मेरे को, हमेशा सेम चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या था कि ऑब्जॉर्ब्ड इंटेंसिटी जो है एक्स रेज की वो ग्रेटर देन होती थी अनमॉडिफाइड एक्स रेज की लाइटर एलिमेंट्स के लिए, ठीक। बट उल्टा केस किस में होता था, हैवियर मेटल्स में, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है वो दिखा नहीं पाया, ठीक है, कॉन्स्टेंट स्कैटरिंग, ये चीज़ें। फिर उसके बाद आई वेव नेचर ऑफ मैटर, जैसे जैसे क्या हमने वेव नेचर, जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ से हमने लैम्डा इक्वल टू एच क्या निकाला था, वो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी निकाला था, एच को हमने एच कट की फॉर्म में लिखा, ठीक है। ये क्या था, एच कट अपॉन पी क्या था, एम नॉट वी, एम नॉट मतलब रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है हमारे पास। देखो जनरली अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो लॉरेंट्ज़ फैक्टर जो है एक ए चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है, वो आई यहाँ पे गामा, ठीक है, वो चीज़ क्या आई यहाँ पे गामा, वो चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन की। उसके बाद जो चीज़ें बताई उसके बाद थी ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी का मतलब मेरे पास कि कोई पार्टिकल जो है वो मेरे पास किस तरीके से जा रहा है, वो जा रहा है अगर एक वेव फॉर्म में, हम वेव फॉर्म कैसे लिखते हैं, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इस तरीके से लेते हैं। अगर एक वेव जा रही है तो उसकी फेज वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा बाय के, के हियर इज ओमेगा की फॉर्म से के निकलता, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, इस फॉर्मूले से निकला, रिलेशन के साथ भी आ गया, उसको बोलते हैं फेज वेलोसिटी। अगर मैं इसमें एच कट से मल्टीप्लाई कर दूं और एच कट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास फेज वेलोसिटी किस फॉर्म में आएगी, ई बाय पी के फॉर्म में, ठीक है, वो यह चीज़ जो है यहाँ डिफाइन की, ई बाय पी के फॉर्म, ठीक है। वैसे ही अगर मैं E बाई पी को फॉर्म में इन द गामा और C और V की फॉर्म में लिखूं तो वह मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, अभी मैंने निकाला, ठीक है, वेयर यहां पे गामा जरूर लगा देना, लॉरेंट्ज़ फैक्टर जो ये है इसकी वैल्यू जनरली वो कितनी होती है, गामा इक्वल टू वन अपन अंडर रूट वन माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर, ये चीज़ होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी निकाल दी, ये सारी चीज़ें निकाल दी। उसके बाद जो चीज़ है वो है मेरे पास ग्रुप वेलोसिटी। देखो ग्रुप वेलोसिटी क्या हुई, दो वेलोसिटीज में डिफरेंस फेज का होगा सिर्फ ओनली डेल्टा, और मेरे पास वो मर्ज होके जो है थर्ड वेव बनेगी, उसको बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है, दो वेव का कॉम्बिनेशन। डायग्राम से वो है, वो इस तरीके से समझ लो, ठीक है, अगर आपने इस तरीके से देखना तो किस तरह से दो वेव ट्रेवल करी और उनका कॉम्बिनेशन जो है वो थर्ड वेव बता रहा है, ठीक है, वो इस तरीके से डिफाइन करवा रहा है, ये चीज़ें। जैसे ही देखो ये चीज़ें कर दी,
फिर उसके बाद क्या है, हम ग्रुप वेलोसिटी का जनरली रिलेशन निकालेंगे, उस चीज को भी करेंगे, ठीक है। देखो ये इस तरीके से होता है, ग्रुप वेलोसिटी क्या हुआ, डी ओमेगा बाय डी टी, अगर एच कट ओमेगा डी ओमेगा बाय डी एच कट के करूँ तो वो मेरे पास कितना आ गया, जनरली वो आ गया डी ई अपॉन डी पी, ठीक है, वो चीज़ यहाँ होगी। सिमिलरली इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी करूँगा तो वो कितनी आएगी, वी के बराबर, ठीक है। ये चीज़ है ग्रुप वेलोसिटी। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन देख लो, इन दोनों के बीच का देखो, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम में जो फेज वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप वेलोसिटी वो कम होती है, ग्रुप वेलोसिटी जो है वो कम होती है, किससे, फेज वेलोसिटी। नॉर्मल डिस्पर्शन मतलब डिस्पर्सिव मीडियम मतलब जिसमें वेवलेंथ जो है वो आपस में मर्ज नहीं हो रही है, मतलब या फिर दो वेवलेंथ का हम जो है वो चीज़ नहीं निकाल रहे, उसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम। एनालोमस डिस्पर्सिव मीडियम क्या हुआ, जब मेरे पास बहुत सारी वेव्स का जो है एक पैटर्न सा बन रहा है और उनका मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है, जैसे ग्रुप वेलोसिटी में किया, उसमें क्या हुआ, ग्रुप वेलोसिटी किससे बड़ी आती है मेरे पास, फेज वेलोसिटी से, ठीक है। ये चीज़ था, तो इस टॉपिक में जो है जनरली हमने क्या किया, इसी के बारे में किया। अगले टॉपिक्स जो हैं इसको कर सकते हो, जैसे देखो, देख लो ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी को जिस तरीके से भी हमने किया, ठीक है, फिर हमने ये चीज़ निकाली एनालॉगस से किया। अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ, इसके लिए देता हूँ मैं आपको होमवर्क, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं देखूंगा कि आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया कि नहीं किया। देखो क्या है इसमें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है यूजिंग बोथ रिलेविस्टिक और नॉन रिलेविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर द टू, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन यूजिंग द नॉन रिलेविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ, ठीक है। ये आप लोगों को होमवर्क दिया, जब अगला लेक्चर लूंगा तो मैं इसको डिस्कस करूंगा कि कैसे जो है हमने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये आज का लेक्चर इतना ही था, इस चीज इतना ही था, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम ब्लैक बॉडी के ऊपर करेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे, प्लस ये वाला न्यूमेरिकल। पूरा लेक्चर देख लो, अगर कुछ समझ नहीं आता तो फिर मुझे बता देना, ठीक है। थैंक यू।